नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कल इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जब आज मीडिया कर्मी से उनकी बात हुई और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि अब आगे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि अभी मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूं और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है, आगे का मैं नहीं बता सकता। और क्या कुछ कहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, आइए सुनते हैं। 10 कंपनी और 2000 जिला के पोस्ट, ये 3000 लोग टाउन में लगे थे, आगजनी नहीं रुक रही थी और लग रहा था पूरा शहर जल जाएगा। मुझे हेलीकॉप्टर से 6 बजे उतारा जाता है, कुर्ता पजामा लेकर के आंख मलते हुए मैं चढ़ा था और 6 घंटे में वहाँ मामले को निपटा करके आ गया। ये मेरी कोई ये काबिलियत नहीं है, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये केवल पीपुल कनेक्टिविटी के चलते होता है कि जहाँ भी कहीं। अच्छा, इसी साल का ले लीजिए, किस किस तरह के मामले आए जिसमें पूरे देश में कहीं भी विधि व्यवस्था की, मैंने कई राज्यों में बहुत ही परेशानी हो गई, लेकिन बिहार अपने, चाहे वो सीएए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या कितनी स्थितियां परिस्थितियां आई जिसमें उपद्रवी तत्व समाज को बरगला करके विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन सीएए एनआरसी के मामले जो चले उसमें भी बिहार अपनी धुरी पर खड़ा रहा। और देखिए, चाहे देखिए, आप जैसे भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, वैसे ही मनीष जी मैं भी भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूँ, वो जो नियम कानून है जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्ति, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूँ, बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं, जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000-25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूँगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं, उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या। सर, आपका एक वीडियो, सर ये बता दीजिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का, बता दीजिए। देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा यही अभी कहा मैंने, कहा लड़ना होगा तो। सर, आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, रोबिनोट पांडे की पार्टी में, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई एक लड़का है जो बिग बॉस में गया था, वहाँ का स्टार है, और उसने अपने अपने स्तर से वो बताया। बक्सर के भी लोग आए हैं, बक्सर के भी लोग आए हैं, जानते हैं कि बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन खास कर देख रहे हैं बक्सर के पॉलिटिशियंस लोग आए हैं आपसे मिलने, कोई क्या आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप चुनाव लड़िए, क्या बोल रहे हैं? वो तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोग राजनीति में आने के लिए, हाँ, और वाल्मीकि नगर से ज्यादातर संभावना, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं। सर, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे? वाल्मीकि नगर का नाम लिया, क्या वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं? लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमारे योग्यता है, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी से? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी लालू यादव के साथ जाएंगे, सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है वो भी मैं बताऊंगा। लालू यादव के साथ जाएंगे सर, आपने इस्तेमाल किया शिवसेना वालों ने और जो किया, मैं अब एक महानुभाव वहां से बोलते हैं, अब वो तो किसी महिला के बारे में इतनी अभद्र बात बोलते हैं तो क्या करें। हमने बोल दिया रिया जी को कि उनके औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पद, वो टिप्पणी करें। औकात का मतलब क्या होता है आप अंग्रेजी में देखिए डिक्शनरी में, स्टेचर। हम कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है, या देश का कोई भी मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ जो केस में अभियुक्त है, एक्यूज्ड है,
जिस पर सुशांत की हत्या के साजिश का आरोप है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसी अर्थ में मैंने वो कहा। सर ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूँ कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त है, उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे इसको बर्दाश्त करे। एज ए नागरिक जैसा कि आपने सुना कि गुप्तेश्वर पांडे इस बात से साफ इनकार करते हैं कि वो अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे और ना जाना चाहते हैं। अब आगे देखना है कि गुप्तेश्वर पांडे का क्या स्टेप होता है। हम सभी लोग उनके स्टेप का इंतज़ार करेंगे। फिलहाल ऐसे ही बने रहिए इंडी न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।